कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। रजनी बल्ला अमर है कि हिंदुओं की हत्या हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं की हत्या हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सुरक्षित रहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मंगलवार को आतंकवादियों ने गवर्नमेंट टीचर रजनी बाला की हत्या की है। व्यापारी वर्ग जो है आज श्रद्धांजलि दे रहा है और पूरे परिवार के साथ हम जो है उनके साथ खड़े हैं। जम्मू के लोग जो है पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सहने की शक्ति दे। और एक ही संदेश है, जिस तरह से एक तरफ सरकार कह रही है कि हम जो है कश्मीर में शांति बहाल कर रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कश्मीर के अंदर हिंदुओं को और बाहरी राज्यों के लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। ये टारगेट किलिंग तब शुरू हुई जब सतपाल निश्चल जी को मारा गया और उसके बाद से लगातार जो टारगेट किलिंग जो है हो रही है कश्मीर के अंदर। मैं समझ रहा हूँ कि बाहरी राज्यों का निशाना बनाया जा रहा है। तो बड़ा अफसोस है कि कश्मीर के अंदर कुछ लोग हैं जो हैं आतंकवाद से सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद से जुड़े हैं, उनको तलाश किया जाना चाहिए और उनको जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए। उनकी वजह से आज जो है कश्मीर के अंदर शांति है और पूरे हमारे कश्मीरी हिंदुओं का जो डर के अंदर माहौल बना हुआ है आज उन्हीं का कारण है। और मेरी मांग है लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से और प्रधानमंत्री मोदी जी से, अब जो समय आ गया है हर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अब जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है लड़ाई होनी चाहिए और ये बार बार टारगेट किलिंग जो है जम्मू के लोग जो है अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब एक ही हल है, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए ताकि बाकी जो बचेंगे वो अपने आराम से सो सकेंगे, आराम से जी सकेंगे। अब जो है आतंकवाद का जो सफाया जो है होना निश्चित है। और मैं फिर एक बार फिर पुनः रजनी बाला के परिवार को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को दुख के समय जो है शक्ति प्रदान करे और भगवान से उनकी आत्मा को शांति देता हूँ। धन्यवाद।